नगर परिषद इंद्रगढ़ के जल निकासी के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। वर्षा पूर्व जल निकासी के लिए नाले नालियों की सफाई कागजी कार्यवाही साबित हो रही है, तभी तो जब भी बारिश होती है पूरे नगर में पानी ही पानी नजर आता है, नगर तालाब दिखाई देता है। आज मंगलवार को हुई बारिश में शासकीय कन्या स्कूल और सब्जी मंडी में बरसात का पानी भर गया, जिससे स्कूल में रखी छात्र छात्राओं को बांटने वाली पाठ्यपुस्तक, निगम की किताबें और मंडी में सब्जी पानी में डूब गई और स्कूल और सब्जी मंडी में 2 से 3 फुट पानी भरने से किताबें और सब्जियां तैरती दिखीं। स्कूल में पानी भरने की जानकारी मिलते ही तहसीलदार सुनील भदौरिया ने स्कूल सहित नगर के सभी जलभराव क्षेत्र का भ्रमण किया और नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पानी निकासी के आदेश दिए। नगर परिषद इंद्रगढ़ के सभी जल निकासी स्रोत पर अतिक्रमण किया जा चुका है। नगर परिषद इंद्रगढ़ द्वारा जल निकासी के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं तैयार की गई है। स्कूल में पानी भरने से एक ओर जहां स्कूल शिक्षक नाराजगी दिखा रहे हैं, वहीं छात्राओं ने किताबें भीग कर खराब होने पर अपनी पढ़ाई का नुकसान होने का डर सता रहा है। संवाददाता शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। स्कूल में आए थी, क्या हुआ? पानी भर गया। फिर स्कूल पढ़ने नहीं गई? अब कितने दिन, 4-5 दिन पानी भरेगा, फिर क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा? पता नहीं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती? क्या हुआ, आप स्कूल पढ़ने आए थे, क्या हुआ? मैं स्कूल पढ़ने आई थी तो स्कूल में पानी भर गया, इसी कारण मुझे घर जाना था। अच्छा, कितना पानी भरा है, तो आप कितने दिन तक खाली होगा ये? पता नहीं, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पूरा पानी भर गया। पूरा पड़ा में